अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगी एक शॉर्ट स्टोरी। हाँ जी, वो शॉर्ट स्टोरी नेडिन गॉडविन ने लिखी है और उस शॉर्ट स्टोरी का नाम है वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र। ठीक है, अब होता क्या है कि जो राइटर है गॉडविन, ठीक है, नेडिन गॉडविन, ये बेसिकली एक साउथ अफ्रीकन राइटर थी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी। इनको 1991 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और अब इनकी जो मेन राइटिंग है वो डील करती है मॉरल एंड रेशियल इश्यूज से, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में उस टाइम पीरियड पे हो रहे थे। अब बात करते हैं जी इस शॉर्ट स्टोरी की। जो ये शॉर्ट स्टोरी है इसका मेन पॉइंट इम्पीरियलिज्म है। इसके अंदर इन्होंने आयरोनिकल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा दी हैं। ये थर्ड पर्सन के अंदर लिखी गई है। इवन के समटाइम्स जो है हम देखेंगे इसमें राइटर इट सेल्फ भी जो है, राइटर हर सेल्फ जो है ना एज अ करेक्टर भी आएगी हमारे पास। क्योंकि जब नोवल सॉरी जब स्टोरी स्टार्ट होती है तभी राइटर जो है वो बता रही होती है हमें कि बेसिकली पस मंज़र क्या है। पस मंज़र से मुराद व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। जो राइटर है हमारे पास वो कहती हैं कि मुझे ना पहले चिल्ड्रन लिटरेचर पे काम करना चाहिए। फिर वो कहती नहीं, मैं चिल्ड्रन लिटरेचर पे काम नहीं करूँगी क्योंकि ये कौन सा इतना फेमस होने वाली चीज़ है, ना इसकी इतनी कोई डिमांड है, मैं इसके ऊपर काम नहीं करने वाली। अब वो क्या कहती है, जब ये वो वाली बात कहती है ना कि मुझे इसके ऊपर काम नहीं करना, ये कहकर ना वो सो जाती है। जब वो सोती है ना तो सोने के बाद क्या होता है, सोने के बाद ज़मीन हिल जाती है, यानी कि ज़मीन बहुत बुरी तरह कांपती है, बहुत ज़ोरदार आवाज़ आती है ज़मीन के अंदर से और वो अचानक उठ जाती है खौफ से। वो खौफ से उठती है। अब वो खौफ से क्यों उठती है, एक्चुअली में हुआ क्या था, उसको याद आता है कि जिस जगह वो रहती है ना वहाँ पे सोने की कानें हैं, ठीक है, लाइक गोल्ड माइंस है, ठीक है। तो वो सोचती है कि वहाँ पे ना जो सोने की कानें हैं ना वहाँ पे सारा दिन कोई ना कोई लाइक खुदाई का काम चलता रहता है, ज़मीन उस वजह से हिलती है। और जब वो जब ज़ोरदार धमाका हुआ ना, मतलब वहाँ पे उसके ऊपर उन कानों पे काम हो रहा था और उससे फिर धमाका हुआ ज़ोरदार, तो उससे मेरी आँख खुल गई है, यानी कि उससे राइटर की आँख खुल गई है और वो बहुत ज़्यादा फेयरफुल है और वो उसकी नींद उड़ जाती है, दोबारा सो नहीं पाती। तब हमारे पास जो राइटर है वो सोचती है कि मुझे चिल्ड्रन लिटरेचर के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। और फिर वो जो है एक स्टोरी लिखती है, उस स्टोरी का नाम है वंस अपॉन अ टाइम। अब वो चिल्ड्रन लिटरेचर पे काम करने लगी है। अब वो जब काम करने लगती है तो उसकी स्टार्टिंग ही वो ऐसे करती है कि एक दफ़ा का जिक्र था, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक फैमिली थी बहुत खुशहाल थी, उस फैमिली के अंदर एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक बेटा और एक ग्रैंड मदर थी, ठीक है, वो उसको मदर इन लॉ भी कह सकते हैं क्योंकि वो उस वाइफ की मदर इन लॉ भी तो थी ना। अच्छा, वो इस तरह स्टोरी नरेट करना शुरू करती है कि वो फैमिली बहुत खुशहाल थी, उनके पास खाने पीने का हर सामान था, उनके पास आसाइश का हर सामान था, रिहाइश का हर सामान था, बड़ी खुशी खुशी रह रही थी। और उसके बाद जो है लोग जो उसके घर के हैं आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। तो ये वो इस तरह से स्टोरी को स्टार्ट करती है वंस अपॉन अ टाइम को। अच्छा, जो राइटर होती है वो वंस अपॉन अ टाइम को थर्ड पर्सन के अंदर जो नरेशन होती है उसमें डिस्क्राइब करती है और उसमें बताती है कि सारी फैमिली बड़ी मोहब्बत से रह रही थी। तो इनके अंदर जो इनकी ग्रैंड मदर थी जिसको मदर इन लॉ भी कहा गया है, मदर इन लॉ किसकी हुई है, वाइफ की मदर इन लॉ है, और ग्रैंड मदर जो उनके बेटा है इकलौता बेटा उनके बारे में उनकी ग्रैंड मदर है। तो कहते हैं वो बेसिकली वाइज ओल्ड विच थी। वाइज ओल्ड विच क्यों कहा गया, क्योंकि वो हर प्रोटेक्टिव मेजरमेंट अपने पास रखती थी, ठीक है, जैसा कि एक मतलब हिफाजत के लिए डॉग हो गया, उसने नौकर भी घर के लिए घर में काम के लिए रखे हुए थे और मेडिकल जो जितना भी सामान होता है वो भी घर में रखा हुआ था। इन शॉर्ट हर ज़रूरत की अशिया जो है उसने अपने घर के अंदर रखी हुई थी, ठीक है। उसके बारे में बात की गई, उन्होंने कहा कि जो ये फैमिली थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी इनके अंदर, वाइफ बींग वाइफ जो है अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी, बींग अ मदर जो है वो अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी, उससे बहुत प्यार करती थी। इस तरह से हस्बैंड का रोल दिखाया गया है, वो बहुत प्रोटेक्टिव है अपनी फैमिली के मैटर के अंदर, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखता है। बींग अ फादर वो अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है। उसके बाद दिखाया गया जो बेटा है, बेटा तो बच्चा है, बच्चा जो है वो फैंटेसी की वर्ल्ड को बहुत लाइक करता है। अब होता क्या है कि वो बताता है कि जो एक ये दुनिया है इनके घर के अंदर, राइटर बता रही है एक ये दुनिया है इनके घर के अंदर जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, ठीक है, और इसके बाद एक और दुनिया जो कि घर के बाहर है,
ठीक है। अब वो जो घर के बाहर है ना दुनिया, वो दुनिया इनको खौफज़दा लगती है, ठीक है। उनको ये पीपल ऑफ अनदर कलर कहते हैं। अब क्या हुआ है, बाहर जो है ना हड़तालें शुरू हुए हैं, ठीक है, रेड्स चल रहे हैं, उस बेस पे जो है ना ये फैमिली बड़ी खौफज़दा है, और ये फैमिली घर से बाहर नहीं निकलती ना घर के अंदर किसी को आने देती है। इन्होंने इनको पता लगता है कि बाहर क्राइम्स हो रहे हैं, जुर्म हो रहे हैं। किस किस्म के जुर्म हो रहे हैं, हर जगह वायलेंस आम है, क्योस फैला हुआ है, और उसके बाद ना जितने बाहर हड़तालें हो रही हैं जिससे लोगों के अंदर खौफ फैला हुआ है, और लोग जो है ना इजीली और हैप्पीली लाइफ नहीं गुजार पा रहे, हर जगह पे थ्रेट्स फैल रहे हैं। इस बेस पे जो है ना ये फैमिली बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती है, और ये अपने घर को महफूज रखने की पूरी कोशिश करती है। आए दिन इनको कोई ना कोई क्राइम का पता लगता रहता है, जैसे किसी के घर में चोरी हो गई, किसी के घर में डाकू आ गए, डाकुओं ने किसी को कत्ल कर दिया, सो ऑन। इसीलिए अपने घर को बचाने के लिए हर इंतज़ाम करते हैं, अपने घर पे अलार्म लगाते हैं। अलार्म इस किस्म का होता है जो कि थ्रेटनिंग अलर्ट होता है, ठीक है। ये अपने घर के ऊपर प्रोटेक्टिव मतलब शील्ड्स लगा देते हैं, और उसके बाद इनको पता लगता है कि मेटेलिक वायर्स मिल रही हैं। वो ऐसी वायर्स हैं जिनको अपने घर के ऊपर लगा दिया जाए तो कोई अंदर नहीं आएगा, ठीक है, उसमें फंस के मर जाएगा। अब क्या होता है कि अपने घर के ऊपर प्रोटेक्टिव वायर्स भी लगा देते हैं, अपने घर को पूरा महफूज बनाते हैं, इवन कि इनके घर की बिल्डिंग भी बहुत ऊंची है। अब हुआ क्या कि इसको ना जो इसके अंदर एक बेटा था, दिखा बेटे का रोल आया था, उसको उसकी ग्रैंड मदर ने एक फेरी टेल की बुक दी थी। वो फेरी टेल की बुक पढ़ के ना बड़ा इंप्रेस होता है, और उसका दिल करता है कि वो जो फेरी टेल्स की उसने बुक पढ़ी है ना, इसका दिल करता है कि उस बुक से पढ़ने के बाद बाहर की दुनिया को भी देखे कि आउटसाइड द मतलब घर जो है वो है क्या, बाहर की दुनिया में क्या है। तो वो देखने के लिए क्या करता है, वो बच्चा जो है ना वो दीवार चढ़ने की कोशिश करता है, और वहाँ पर जो मेटेलिक वायर्स लगी हुई थी वो उसी वायर्स के अंदर फंस के मर जाता है। बच्चे की डेथ हो जाती है, वहाँ पे मेड जो है वो स्क्रीम करती है, चीखती है, फादर आता है और देखता है उसने अपने बच्चे को गवा दिया। हालांकि आयरनी इज़, अब आयरनी क्या है कि उन्होंने अपने घर को हर लिहाज से प्रोटेक्टिव बनाया हुआ था, लेकिन जितनी वो खुद को प्रोटेक्शन फील कर रहे थे, जितना वो खुद को घर को महफूज कर रहे थे, उतना वो खुद ही दलदल में फंस रहे थे। किस तरह से, वो उतना ही खुद खुद ना अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी खुद को बचाने के लिए। लेकिन एंड पे हुआ क्या, उनका अपना बेटा उस लगाई हुई वॉल के ऊपर जो वायर्स थी उसमें फंस के मर गया। और इसके अंदर जो थीम दिखाया गया है वो फेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड वर्ल्ड दिखाया गया है कि बाहर की दुनिया का जो खौफ है वो कैसे इंसान को पागल कर देता है। और इसके बाद जो है इसके अंदर जो मेन डिस्कशन हो रही है वो आयरनी के ऊपर हो रही है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स है ना वो अपनी डिस्ट्रक्शन खुद ही क्रिएट करते हैं। और साहब ने बताया गया है कि इवन के उन्होंने हर तरह की प्रोटेक्शन का मतलब सूरत हाल का इंजाम सिस्टम अरेंज कर लिया, लेकिन फिर भी उनके अंदर फेयर था। और बार बार इसके अंदर जब टेक्स्ट पढ़ेंगे ना आप, तो यू हैव बीन वॉर्न्ड, यू हैव बीन वॉर्न्ड, ये वाली कोटेशन बहुत ज़्यादा मतलब कोट की गई है इसके अंदर। लेकिन अब इसके बाद भी यू हैव बीन वॉर्न्ड के बाद भी क्या होता है, कोई अलर्ट नहीं, बड़ी कोशिश कर ली अलर्ट रहने की, फिर भी एंड पे बेटे की डेथ हो जाती है, और यहाँ पे हमारी जो ये शॉर्ट स्टोरी है वो ख़त्म हो गई है।